अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रैवल एक्स बाय हसीब। आज हमारे साथ हैं अदील भाई। अदील भाई का मेरा ताल्लुक बड़ा पुराना है पाकिस्तान में है से, तो अदील भाई का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। जो लोग फैसलाबाद से स्पेशली वो जानते होंगे कि अदील भाई आरजे भी रहे हैं रेडियो पे। तो अदील भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद थोड़ा सा बता उनको। जी इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम हसीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। और मैं जैसे अभी ऑफ द एयर हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने ये जो स्टेप लिया है, आपने अपने शौक को और अपने पैशन को परसू कर किया है, ये बहुत बड़ी बात है। खासतौर पर जब आप अपने मुल्क से बाहर होते हैं, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर होते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पूरी कर रहे होते हैं, तो उन सब जिम्मेदारियों से हटके एक स्टेप लेना बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी अचीवमेंट होती है। बिल्कुल तो ऐसे ही, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। और थैंक यू। मैं जैसे आपने बताया अदील हाशमी और फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, और पिछले कोई 6-7 साल से मैं यहाँ पे इंग्लैंड में मौजूद हूँ। और बस पाकिस्तान में आरजे वगैरह का काम भी करता रहा हूँ, काफी अर्सा रेडियो से वाबस्ता रहा हूँ। सो अच्छा, आज का जो हमारा अदील भाई टॉपिक है, जैसे कि पहले मैंने अदील भाई को रिक्वेस्ट किया था, सबसे पहले थैंक्स अदील भाई का कि बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आप जब बाहर की कंट्री में रह रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा आपकी हार्ड लाइफ होती है और हमारा टाइम टेबल भी बड़ा मुश्किल होता है, तो अदील भाई ने स्पेशली टाइम निकाला हमारे लिए, थैंक यू वेरी मच। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए बहुत से लोग अदील भाई सोचते हैं कि यार यूके का वीजा लग जाए, बस मैं यूके चला जाऊं किसी तरीके से जी, पर घंटा मुझे इतने पाउंड मिलेंगे, लेकिन ये नहीं किसी को पता कि वहां पे कितने खर्चे हैं, वहां पे इंश्योरेंस है गाड़ी की या रेंट कितने हैं। तो आज का जो मेरा आपसे बात करने का डिस्कशन ये है कि आप लोगों को थोड़ा वहां की लाइफ के बारे में बताएं कि सपोज करें अगर एक स्टूडेंट आता है, वो सिंगल आता है, तो उसका मंथली कितना एक्सपेंस है और कितनी वो अर्निंग कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी हसीब, आपने सही कहा कि पाकिस्तान में लोग सोचते हैं कि यार ये पाउंड में लोग कमाते हैं वहां पे तो वो बड़े अमीर हैं और बड़ा कुछ होता है, लेकिन मसला ये है कि हम पाउंड में कमाते हैं तो खर्चा भी यहाँ पाउंड में करना पड़ता है। पाउंड में करना है, बिल्कुल और जैसे जी, और कोविड के बाद पूरी दुनिया में जो महंगाई की एक लहर आई है ना, पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो है, आप दुबई में रह चुके हैं और दूसरे बिल्कुल ममालिक ऐसा में ही, गए हैं तो आप देख चुके होंगे, हर जगह पे बहुत बहुत बुरे हालात हैं। इधर इंग्लैंड में, यूके बिल्कुल में, समझ लें कि मतलब ऑलमोस्ट 50% इजाफा हुआ है हर चीज में, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी के अच्छा, बिल्स हैं और बाकी ग्रोसरी वगैरह में 30-50% तक चीजों में के रेट्स जो हैं वो मतलब ऊपर गए हैं और बिल्स वगैरह में इजाफा हुआ है। तो ये है कि आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यूके ना आए, बड़े बुरे हालात है जैसे अक्सर लोग कह देते हैं, तो ऐसा नहीं है। सही यूके बात है, बहुत अच्छे हालात है, बहुत अच्छे हालात है, पाकिस्तान से बहरहाल बहुत अच्छे हालात है। और बहुत अभी अच्छे जो हैं, बिल्कुल आप प्रो गवर्नमेंट है थोड़े से, तो माजरत के साथ बिल्कुल मैं ज्यादा मतलब क्लास नहीं ऐसे लूंगा, लेकिन जो हालात बन गए हैं मुल्क के और बना दिए गए हैं, जो इस मुल्क के हालात बना दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त रहने के काबिल नहीं बचा हमारा मुल्क, जो हालात बन नहीं चुके बचा, हैं बिल्कुल बहुत ऐसे, मुश्किल हालात है। सिक्योरिटी तो सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे एक लाइफ स्टैंडर्ड है, मतलब हालात जाहिर है मुश्किल है, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मतलब पाकिस्तान की नस्बत आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 30-40 आवर्स काम करते हैं, तो यहाँ पे 50-60 आवर्स मिनिमम आपको काम करना पड़ता है वीकली, काम करना और फिर पड़ता खर्चे और सारी चीजें। लेकिन ये है कि इन द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है, आप जो चाहते हैं आपको मिलता है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी एक्सेसरीज, जो भी आप मतलब ख्वाहिश करते हैं, आपके दिल में ख्वाहिश आती है, आपको वो चीज मिल जाती है, इजीली है। लेकिन अवेलेबल हो अदील भाई जाती है। यहाँ पे एक चीज है आपने नोट की है, पाकिस्तान में रह के लोग तो मेहनत करते ही नहीं है, मतलब उनको वो छोटी जॉब तो करनी ही नहीं है, किसी डिलीवरी शॉप पे, किसी पिज्जा पे, वो तो करना ही नहीं है उनको, उनको तो घूमने वाली कुर्सी चाहिए। तो क्या यूके में उनको वो घूमने वाली कुर्सी मिलेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी, हरगिज नहीं मिलेगी। बिल्कुल मैं पाकिस्तान में आरजे था और मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में मतलब एज अ सीनियर मैनेजर जॉब करता रहा काफी अर्सा। उसके बाद मैं यूके में जब पहली दफा आया, आते ही मुझे फर्स्ट मंथ में, पहले वीक में मुझे टॉयलेट साफ करने पड़े। यस आई डिड इट, और मुझे इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं है और मैं इसमें दातुन काम काम है। और यहाँ पे यकीन मानिए, अगर आप का मतलब पिछले दिनों मैं एक बिजनेस कर रहा था, पेट्रोल स्टेशन था, हमने कुछ दोस्तों ने मिलकर हमने जो शुरू किया, तो अगर आप पेट्रोल स्टेशन के मालिक भी हैं, जैसे पाकिस्तान में तो है ना कि यार पेट्रोल पंप चल देने होते, तो यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, पेट्रोल स्टेशन के मालिक भी हैं, आपकी शॉप भी है, जितना बड़ा सुपर स्टोर है, लेकिन आप किसी को ये नहीं कह सकते, अपने एम्प्लॉयर को ये नहीं कह सकते कि यार वॉशरूम साफ करके आओ, क्योंकि वो उसकी जॉब नहीं है, आपको खुद ही जाके वॉशरूम उसकी साफ करना जॉब नहीं। पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैंने पे अदील भाई काम छोटा अभी बड़ा कोई नहीं है। जी मैंने अभी सॉरी, रिसेंटली न्यूयॉर्क गया था, तो वहां पे ये चीज बड़ी फेस की मैंने कि मुझे किसी भी फ्यूल स्टेशन पे वॉशरूम ही नहीं मिल रहा था।
तो जब एंड रिजल्ट आप वाली बात निकली कि भाई इधर तो बंदा रखना पड़ता है सफाई के लिए, तो हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते बिल्कुल। एग्जैक्टली, क्योंकि इस जो वॉशरूम साफ करेगा उसने भी वही वेजेस लेनी है जो जो शॉपकीपर है या जो मतलब वहां पे सेल्समैन है वो ले रहा है, जो वही वेजेस देनी पड़ेगी वो ले उसको। रहा तो इसलिए वो बहुत वही सारे लोग, वेजेस। इसलिए जो हम पेट्रोल स्टेशन खोलते हैं या जो कोई भी अगर शॉप खोलते हैं तो अगर उसके अंदर वॉशरूम है भी तो वो मालिक खुद ही साफ करता है, किसी नया बंदा तो नहीं रख सकते सिर्फ वॉशरूम साफ करने के लिए, तो हमें खुद ही नहीं रख साफ करना सकते। पड़ता है। अच्छा तो इसलिए अभी यहाँ पे वो नहीं है मिनिमम कि अगर वेज की जी तरफ सॉरी अगर चलें कि मिनिमम जी मिनिमम वेज जो है हमारी वहां पे कितनी मतलब आप अर्न कर सकते हो, एक बंदा न्यूली सपोज करें जैसे आपने बताया कि आप न्यूली गए थे, अब नया बंदा गया तो वो कितना पर अर्न कर सकता है और हफ्ते में कितने घंटे उसे काम मिलेगा, ये थोड़ा बताइए। देखिए डिपेंड करता है आपका वीजा कौन सा है। अगर वैसे जो इस वक्त यूके की मिनिमम वेज है गवर्नमेंट की तरफ से, होम ऑफिस की तरफ से, दैट इज अराउंड 1079 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमोस्ट 11 पाउंड जो है पर आवर ऑलमोस्ट ये एक, हाँ जी ऑलमोस्ट, इससे थोड़ी सी कम, 1059 है या 1079 है मुझे एग्जैक्टली इस वक्त याद नहीं है। तो इसके अराउंड जो है इस वक्त सेट की हुई है गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस। अब होता ये है, अच्छा अब जितने भी बिजनेस है उन वो पाबंद है इस चीज के कि अगर वो किसी को हायर करेंगे तो मिनिमम इतनी वेजेस देनी ही देनी है, ठीक है। हाँ अगर किसी सीनियोरिटी बेस पे या किसी और लेवल पे ले तो इससे ऊपर दे सकते, इससे कम नहीं दे सकते, ठीक है। अब होता ये है राइट कि हमारे जो देसी लोग हैं ना वो काम करते हैं हमारे देसियों के पास ज्यादातर, ठीक है। अब वो हमारे बिल्कुल देसी ऐसे जो है ही वो बाहर तो आ जाते हैं लेकिन उनका माइंडसेट वही पाकिस्तान वाला, वो शॉर्टकट वाला, वो चोरी वाला, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल वो चोरी करते हैं, टैक्स चोरी करने के लिए, अपने टैक्स को बचाने के लिए, कि हमें सारे हर एम्प्लॉय के लिए टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसको बचाने के लिए वो टैक्स एम्प्लॉय शो नहीं करते और उसको वो 5-6 पाउंड पे, 7 पाउंड पे रख लेते हैं। मैं ऐसी जगह भी जानता हूँ यहाँ पे 5-5 पाउंड भी लोगों को दे दिए जा रहे हैं पाकिस्तानियों को, हालांकि दस राइट ग्यारह पाउंड गवर्नमेंट की वेजेस है लेकिन 5 पाउंड गवर्नमेंट का पे भी लड़के स्टैंडर्ड है। काम कर रहे हैं कई जगहों पे। सही सही। जी 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 तो उसमें एक्सपेंस कितना आएगा एक बंदे का, मतलब सिंगल बंदा रह रहा है पहले वो बताएं हमें, उसके बाद अगर एक फैमिली है छोटी सी यानी कि हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे हैं तो उनका क्या खर्चा आएगा, रेंट यूटिलिटीज। अच्छा मैं इससे पहले टोटल अर्निंग का आपको बता दूं फिर उस फिर आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करना। देखिए अगर बिल्कुल एक स्टूडेंट की मैं बात नहीं करता, मैं एक क्योंकि स्टूडेंट को तो वर्क परमिट भी नहीं होता, 10-10 आवर्स पर वीक अलाउड होता है उसको, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल उसको जो है वो अगर कहीं जॉब भी मिलती है तो 5-6 पाउंड पर आवर की जॉब मिलती है। लेकिन हम जनरली बात करते हैं, अगर आप जनरली यूके में रह रहे हैं तो आप मिनिमम जो है मंथली 2000 तक कमा लेते हैं इजिली, 2000 पाउंड तक दो आप हजार पाउंड तक इजिली कमा सकते हैं। हाँ 2025 स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद जाहिर है जैसे स्टार्टिंग जैसे आपकी अच्छी जॉब्स हैं, और अभी मैं जॉब जो कर रहा हूँ मतलब टैक्सी चला रहा हूँ और मेरा पेट्रोल स्टेशन में भी आपको मैंने बताया वहां पे भी है, तो मतलब वो बिल्कुल अच्छी इनकम, वो एक अलग चीज है। तो 2000-2500 मिनिमम इनकम है। और आपके एक्सपेंसिस अगर बात करें तो आप लिविंग एक्सपेंसिस 1000 पाउंड के करीब है आपका, अगर आप अपना एक वन घर थाउजेंड लेते हैं, ठीक है। अगर अपना एक बंदा घर लेता है, हाँ अगर शेयरिंग करते हैं जाए फिर उसको आप डिवाइड करते जाए जितने जितने लोगों के साथ, अगर आप बिल्कुल एक घर में 10 बंदे रख लेते हैं तो उस, तो अगर एक घर एक बंदा लेता है तो 1000 पाउंड के करीब खर्चा है, ठीक है। अगर वो जाए 10 बंदे बिल्कुल। इसमें रहेंगे तो वो 100-100 पाउंड पर पर्सन आ जाएगा अच्छा जितने बंदे ये रहेंगे। रेंट आप बता रहे हैं, यूटिलिटीज नहीं है इसके नहीं अंदर। सब कुछ मिला के बता रहा हूँ, रेंट अच्छा 1000 600-700 के करीब रेंट पड़ जाता है नॉर्मल घरों का, ठीक है। फिर एरिया पे डिपेंड करता है, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट रेट है। फिर उसके बाद बिजली का बिल, पानी का बिल, और फिर कौंसिल बिल होता है जो सफाई वगैरह पूरे इलाके की, और उसमें एम्बुलेंस वगैरह तो सारा ये कुछ। वन बेडरूम हॉल है या सिंगल नहीं स्टूडियो फ्लैट है या ये मैं आपको टू बता रहा हूँ 2 बेडरूम और या 3 बेडरूम अच्छा छोटे से टू घर का, बेडरूम दैट्स जी गुड टू दैट्स बेडरूम गुड। 3 बेडरूम फ्लैट्स का जी, फ्लैट्स जो है वो यहाँ पे जरा मतलब इतना ट्रेंड नहीं है यूके में ना। हाँ बड़े सिटीज में जैसे मैनचेस्टर हो गया, लंदन हो गया, बर्मिंगम हो गया, वहां पे फ्लैट्स वगैरह हैं, बाकी इसके सराउंडिंग में नहीं है इतने, जैसे दूसरे जो सिटीज है ना वहां पे इतने नहीं है फ्लैट्स का ट्रेंड सही अभी। तो फ्लैट भी अगर लें तो वो भी ठीक आपको 500-600 रुपये पड़ेगा एक फ्लैट। सही। तो ये तो हमारा हो गया रेंट। इसके अलावा ग्रोसरी की बात करूं, अगर मैं आप ग्रोसरी मंथली कितनी करते हैं फैमिली के साथ अगर या सिंगल बंदा। सिंगल बंदे के तो कोई ग्रोसरी का इतना खर्चा नहीं, मेरा ख्याल में 100 पाउंड 150 पाउंड में उसका महीने का गुजारा हो सकता है सिंगल पर्सन ठीक का, है खाने पीने का। और टू बी ऑनेस्ट मतलब यहाँ पे आपकी अर्निंग का जो सिस्टम होता है ना खाने पीने का पता ही नहीं चलता, जो ग्रोसरी की पता नहीं शॉपिंग चलता। का इतना। हाँ अब थोड़ा सा अब जो महंगाई हुई है ना थोड़ा सा फील होता है, पहले मतलब अगर हम जाते तो 50-60 पाउंड की जो चीजें लेके आते थे वो 150 पाउंड की चीजें आती हैं, तो अब महंगाई की वजह से सही जरा फील होने लगा है। तो लेकिन ये है कि अकेले बंदे का फिर भी 150-200 पाउंड में महीने का
उसका हो सकता है गुजारा इजीली। सही। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अपनी गाड़ी रखते हैं, तो उसमें क्या सिस्टम होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़रा एक्सपेंसिव है यहाँ पे। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिलाई करते हैं तो वो थोड़ी सी महंगी पड़ेगी आपको। उसमें मैं समझता हूँ कि आपका 100 पाउंड पर वीक, अगर आप आउट ऑफ सिटी नहीं जाते, आप अच्छा, सिटी में ही रहते, ट्रैवल ज़रा पर ट्रैवल करते हैं वीक, जॉब। हाँ, पर मंथ, सॉरी सॉरी, पर मंथ सॉरी, पर मंथ, पर मंथ। 100 पाउंड पर मंथ में इजीली उसका वो गुजारा हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, अगर वो ज़रा आउट ऑफ सिटी नहीं जाता। अगर हाँ, अगर अपनी गाड़ी रखी है, अपनी गाड़ी तो फिर जाहिर है इस मुल्क में अगर अपनी गाड़ी के बगैर बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ। मैं जो दोस्त इस प्रोग्राम को देखेंगे और अगर उनका प्रोग्राम बनेगा कल यूके आने का, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो अभी पाकिस्तान से ही थ्योरी टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू कर दें। जो हमारा लाइसेंस है ना, यूके ड्राइविंग लाइसेंस, उसका जो प्रोसेस है, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है थ्योरी टेस्ट। आपने पहले थ्योरी टेस्ट क्लियर करना होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट की तरफ जाते हैं। तो थ्योरी टेस्ट की अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें, जैसे ही यूके में आते ही अगले दिन आप जो है वो उसके लिए अप्लाई कर दें। जितनी जल्दी आप यहाँ पे लाइसेंस लेंगे, लाइसेंस इज योर काइंड ऑफ योर पासपोर्ट। यहाँ का जो ड्राइविंग लाइसेंस वो आपको पासपोर्ट ही है। आपको कुछ भी गुम जाता है, आप ड्राइविंग लाइसेंस पे दूसरे दूसरे कंट्रीज भी ट्रेवल कर सकते हैं। मतलब इसकी इतनी पावर अच्छा, होती है। जबरदस्त जी 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 जबरदस्त। यूरोपियन अच्छा, कंट्रीज इसमें हैं उसमें। पाकिस्तानी पासपोर्ट, सॉरी, पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसका कुछ फायदा होगा उस बंदे को कि नहीं, वो लेकर आए या पाकिस्तानी नहीं? ड्राइविंग लाइसेंस, अगर वो इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आता है तो 1 साल तक वो गाड़ी चला सकता है उसके ऊपर। लेकिन ये है कि उसमें इंश्योरेंस बड़ी एक्सपेंसिव मिलेगी उसको, उसका अच्छा, मतलब। हाँ जी, इंश्योरेंस जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 200-250 पर मंथ की इंश्योरेंस उसको मिलेगी। ओहो, टू सही और टू सही, फिफ्टी पाउंड पर मंथ के कम से कम इतनी इंश्योरेंस उसको मिलेगी, क्योंकि इंटरनेशनल लाइसेंस है उसका। ऊपर ऊपर से पाकिस्तानी लाइसेंस है। हम खुद अपने लाइसेंस पे यकीन नहीं करते, गोरे कहाँ से करेंगे। गोरे कहाँ से करेंगे। हाँ, तो तो ये ये तो चीज हमारा है। एक हो गया कि अराउंड 1500 पाउंड के इर्द गिर्द आप लगा लें कि आप इतने आपके खर्चे हो जाएंगे, ऐसा ही हाँ है जी, हाँ जी, जी 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 फैमिली के पंद्रह साथ? सौ सोलह फैमिली के सौ साथ जी 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 और दो अकेले हजार से बंदे की 2200। मैं ये बात करूं, अकेले बंदे का मैंने बताया। अगर घर घर भी अकेले लेते हैं, अगर आप शेयरिंग करेंगे तो फिर जाहिर उस हिसाब से भी आपका हो जाएगा। उस लेकिन ये हिसाब मैंने से, आपको और एक अगर, अकेले बंदे का खर्चा बताया। अच्छा, अगर फैमिली है उसके साथ, सपोज करें हस्बैंड वाइफ हैं, दो बच्चे या एक बच्चा, तो तो खर्चे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है घर तो आपने उतने का लिया है ना, 600 पाउंड का। उसमें दो बंदे हाँ, रहे, घर चार तो बंदे रहे, वो भी खर्चा सेम ही रहेगा आपका, ठीक है। ग्रोसरी का खर्चा में जहाँ पे आप 5 किलो आटा लेते हैं, वहां पे आप 7 किलो ले लेंगे आटा। मेरा नहीं ख्याल इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब वो ग्रोसरी में भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बिल जो है घर का वही आना है, ठीक है। पानी जहाँ पे एक बंदा शॉवर करता है, वहां पे दो बंदे घर में, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हाँ, वो मतलब ये कि अकेले बंदे का खर्चा है थोड़ा सा। अगर फैमिली साथ होगी तो थोड़ा सा खर्चा 19-20, अगर 1500 है तो 1600-1700 हो जाएगा। इतना सा, थोड़ा सा ज़रा ज़रा हो जाएगा, इतना ज़रा फर्क नहीं पड़ेगा उसको। सही। अच्छा अदील भाई, इसमें ये बताएं कि अब एक बंदा नया यूके में है, तो उसको कितना टाइम लग जाता है पीआर लेने में या आपका पासपोर्ट लेने में, ये सब सब टाइम पीरियड में? और अभी तक आपने लिया कि नहीं लिया, हमें तो ये भी नहीं पता। हाँ जी, नहीं, मेरे पास माशाल्लाह नेशनलिटी है इस वक्त। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। और ये है कि इनके पास, इनका जो है ना, जैसे कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह के मैंने सुना है कि वहां पे जरा इजी है इनका सिस्टम। इनका अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मतलब आप 5 साल स्टे करें, 6 साल करें तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, हाँ जी, इसका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम इनका, मतलब होम ऑफिस ने कोई अनाउंस नहीं किया हुआ, रिटर्न कोई ऐसा नहीं है इनका, ठीक है। तो हाँ, ये अच्छा है कि अगर आप 5 ईयर्स टैक्स अपना पे करते रहे, प्रॉपर रहे, 5 साल 5 साल टैक्स पे करते रहे, तो 5 साल के बाद आपको इंडेफिनिट स्टेटस मिल जाता है, ठीक है। आपको एक राइट, वीजा मिल जाता है जिसको इंडेफिनिट वीजा बोलते हैं, जो कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो आपका मिल जाता ठीक है, है। ठीक है। फिर पासपोर्ट आपका डिपेंड करता है कि आप किस वीजे पे आए थे, किस तरह से आए थे, ये वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पाउस वीजे पे आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, फैमिली वीजे पे आए हैं, तो आपका इंडेफिनिट के 1 साल के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट वीजे पे आए हुए हैं, तो इंडेफिनिट के मजीद 5 साल के बाद आपको आप पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप वर्क वीजे पे आए हैं, तो मेरे ख्याल में उसके भी 5 साल बाद, मतलब वो टोटल 10 ईयर्स रूट होता है आपका। तो ये डिफरेंट मतलब वो कैटेगरीज है। लेकिन स्टूडेंट और वर्क वीजे की अगर बात करें, अगर वो लीगल रहते हैं और अपने टैक्सेस पे करते रहते हैं अपने टेन्योर में, तो वो 10 ईयर्स लग जाएंगे उनको पासपोर्ट लेते लेते। लेकिन 5 साल के बाद उनको इंडेफिनेट मिल जाएगा, यानी कि वो इंडेफिनेट भी पासपोर्ट ही होता है, वो अनलिमिटेड वीजा होता है, वो जब जितना मर्जी रहे, जिसे अनलिमिटेड ग्रीन कार्ड बोलते हैं पाकिस्तान ग्रीन अमेरिका का। कार्ड, हाँ यूएसए जी, के लिए। वो ही होता है किस्म अच्छा का। अदिल भाई, लोगों के माइंड में ये है कि यार विजिट वीजा लग गया तो मैं उधर जाके क्या इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ वर्क परमिट में, या मैं इसे स्टूडेंट वीजे में, या
या उसके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं कि अगर कोई विजिट वीजा नहीं पे जाता है? नहीं है, नहीं स्टेट जा नो, सकता ना। स्टेट नो, कोई कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप विजिट वीजे पे आते हैं, आप कन्वर्ट बिल्कुल नहीं करवा सकते उसको। एक ही ऑप्शन होता है कि आप इलीगल हो जाएं, मतलब जाहिर है आप वीजा खत्म होगा, आप फिर भी ओवरस्टे करें। लेकिन इलीगल होने का नुकसान ये है कि इलीगल होने के बाद आप दोबारा इस मुल्क में कोई भी वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। आपको वापस अपनी होम कंट्री जाना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। फिर इनकी मर्जी है दें या ना दें, और मोस्ट केसेस में ये नहीं देते दोबारा, कि यार बंदा पहले हमारे रूल को तोड़ चुका है तो कहाँ इसको दोबारा हम देंगे। लेकिन अदील भाई, मेरे ख्याल से लीगल बंदे की लाइफ भी कुछ खास नहीं होगी, वो काफी प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं उसके मुश्किल, लिए आज। बहुत मुश्किल लाइफ है। घर नहीं मिलता, ठीक है, उसको मिंते कतरले करके दोस्तों के साथ रहना पड़ता है, ठीक है, किसी कभी किसी की मिंते कभी किसी, क्योंकि वो लीगली, क्योंकि यहाँ पे घर लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको मतलब बहुत सारे चेक्स के थ्रू जाना गुजरना पड़ता है, और आपको बहुत सारे रेफरेंसेज और बहुत सारी चीजें देनी पड़ती हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, और लीगल ग्रंटर्स भी देने पड़ते हैं आपको। मतलब वो काफी मुश्किल है। तो घर नहीं ले सकता, गाड़ी नहीं ले सकता अपने नाम पे, ठीक है, अपने नाम पे, और फिर वो जहाँ पे काम करेगा वो उसको 4-5 पाउंड पे रखेंगे, ठीक है। देसी बंदों के पास ही काम करना पड़ेगा उसको, और देसी तो हमारे पहले ही फायदा उठाने में जा माहिर है, वो तो बंदे का फायदा उठाते हैं कि उसका जो है वो कहीं से मिस यूज हो सके, तो वो 5-4 पाउंड में बिल्कुल उसको जो है वो रखेंगे, ठीक है। सही सर। तो आपकी मुस्कुराहट बता रही है, आप कुछ सोच रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल नहीं ऐसा वहां नहीं पे नहीं 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 लेके जा रहा, नहीं मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि सियासी बहस से बचा जाए, क्योंकि आप नहीं 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 जो नहीं है मैं उस साइड पे नहीं जा रहा था। मेरा जी। मेरा क्वेश्चन माइंड में और चल रहा था, वो ये था कि आपने जैसे बताया कि सियासी पर उधर जो इलीगल जा रहा है उसकी कोई लाइफ ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे माइंड में एक बंदा चल रहा था जो ऐसा सोच रहा है, आई होप सो कि वो आपकी वीडियो देखेगा और उसको ये एहसास होगा कि देर इज नो लाइफ फॉर द इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं, इन कोई यूके। लाइफ नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए आप आ तो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जब बंदा होता है ना, हम खुद ऐसे ही हम दुआएं करते होते थे यार सजदे में जाके, कि यार किसी तरह वीजा लग जाए हमारा, ठीक है, सारा वो सिस्टम हो जाए। बिल्कुल ऐसे है। तो लेकिन पाकिस्तान में बंदा बहुत कुछ सोचता है कि यार पता नहीं वहां पे क्या। यहाँ पे आने के बाद यकीन कीजिए मतलब बहुत टफ लाइफ हो जाती है। लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, कि जाहिर है मतलब वो पाकिस्तान में भी मुश्किलें, आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि अगर आप इलीगल होते हैं ना, मतलब तो फिर तो आपके पास वो भी गुंजाइश नहीं बचती कि आप इतना अर्न कर सके कि अपनी जिंदगी अच्छे से बना अपनी सके। जिंदगी हाँ, तो फिर अपनी कहाँ कहाँ से बनाएंगे, और फिर पीछे वालों की कहाँ से बनाएंगे। हमारा देखिए अल्टीमेटली हमारा मकसद तो यही होता है ना, यार पीछे जो बैठे हुए हैं उनको भी सपोर्ट करना है हमने, उनको ठीक उनको है, सपोर्ट और करना है मतलब ये बिल्कुल। सारी चीजें। तो ये मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा आपके लिए, और फिर आप कोसेंगे, यकीन मानिए आप कोसेंगे उस वक्त को, उस लम्हे को जब आपने ये सोचा था। तो ये मेरे जो भाई जिन्होंने कल मुझसे इनबॉक्स में डिस्कस किया था इस बारे में, और मैंने भी उनको ये कहा था कि ये काम नहीं आपने करना है, एजेंट आपको जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो अब आप अदील भाई की बात भी सुन लें, अदील भाई ने बड़ा क्लियरली बता दिया, और अदील भाई तो उधर रह रहे हैं। अगर मैं तो चले रह नहीं रहा, लेकिन अदील भाई तो रह रहे हैं, आपको रिलेटिव्स बता रहे हैं सारी। तो अच्छा, थैंक यू एक अदील इसमें भाई कि मैं आपने एक ये मैं बताया आप इन्हें। एक 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 माजर के साथ मैं एक इसमें जो है ना वो आपको रास्ता बताना चाहूंगा। पता नहीं है, अगर आप एडिट करना चाहें तो कर दीजिएगा बाद में, हाँ ये लीगल नहीं है मेरे ख्याल में बताना। मतलब आप यहाँ पे आए आके साइलम क्लेम कर दें, बहुत सारे लोग एजेंट वगैरह इसी गाइड पे लेके चलते हैं लोगों को, कि आप लेकिन अदील वो भाई उसे जाएंगे उधर। इलीगल भी नहीं आप कह सकते, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट उसको ऑफर कर रही है ना, हाँ, तो उसे असाय हम वो लोग जाहिर है, इलीगल नहीं। असाय वो हाँ नहीं, वो इस तरह मतलब एक रास्ता बताना मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा हाँ गैर इखलाकी बन जाता है, कि ये ये बिल्कुल इलीगल बिल्कुल मतलब। बिल्कुल हाँ, तो लेकिन ये कि आप देख लीजिएगा, रखिए, रखना होगा ये तो रख लीजिएगा इसको। हाँ मतलब बिल्कुल वो बहुत बिल्कुल सर। सारे, ये हम कर सकते हैं कि आप विजिट पे आए, आके असाइलम क्लेम कर दें, ठीक है। तो असाइलम ये है कि जब आप असाइलम क्लेम करेंगे तो 1-2 साल का स्टे मिल जाएगा आपको, लेकिन आप असाइलम अप्रूव नहीं हो सकता आपका। अगर आप कहें कि असाइलम परमानेंट आपको मिल जाए, वो 2 साल बाद आपको जाना ही पड़ेगा पाकिस्तान, वापिस किसी जाना सूरत भी पड़ेगा। ये लिखवा लीजिए आपका असाइलम। वो 2 साल का स्टे भी ऐसे मिलेगा कि वो जो यहाँ पे वकील होते हैं वो केस को लंबा करते हैं, पेशियां, अपीलें, एक दफा कनाडा वाला रिजेक्ट हो गया, सीन है कि अपील में चले वो गए। हाँ, लंबा करते जाते हैं, लंबा करते जाते हैं, अपीलें डालते लेकिन वो जाते हैं, आपको मैक्सिमम दो टाइम साल मिलता तक है। लंबा कर सकते हैं, 2 साल से ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, मैक्सिमम 2 साल नहीं तक मेरे वो ख्याल लंबा कर से सकते हैं। इसे हम लोग कट नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को फायदा है, उन्हें पता तो चलेगा कि उन्हें गलत पट्टी ना पढ़ाए कि भाई वहां पे जी जाके जी असाइलम अप्लाई करो और मुझे हाँ, नहीं बस देख 50 लाख लीजिएगा रुपया बिल्कुल। दे दो। एजेंट आपको जो मर्जी कहानियां सुनाएं, ठीक है, लेकिन हकीकत बात ये है कि हाँ, मैं ये कर सकते हैं बिल्कुल। आप आए 2-3 महीने के बाद असाइलम क्लेम करने किसी भी बेस पे, ठीक है, आपको मिल जाएगा 2 साल का, आपको वो आईडी एक मिल जाएगी, और उस पर आप स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे काम भी कर सकते हैं, लेकिन 2 साल के बाद आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप समझते हैं कि 2 साल में आप इतना कमा लेंगे कि आप अपने पीछे आप इतनी मेहनत मतलब कर सकते हैं, अगर आप
मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि महीने का असाइलम पे रह के, जिन्होंने महीने का जो है वो 4-4, 5-5 हज़ार कमाते रहे हैं, ठीक है। जबरदस्त। मगर हाँ हाँ, वो आप करके, आप 2 साल मेहनत करें, इस तरह दिन रात काम करके भूल जाए आपकी कोई जिंदगी है, भूल जाए कोई आपके, मतलब कुछ आप दुनिया में आए हैं, बस काम 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 करके कमाए पीछे जाए, और 2 साल के बाद ये हो सकता है। लेकिन ये जरा टफ है, टफ रूट है ये, मतलब सर्कमस्टेंसेस में भी डिपेंड करता है, उस वक्त क्या आप आते हैं, काम शाम कैसे मिलता नहीं मिलता, तो ये सारी चीजें भी हैं। अच्छा दिल भाई, उसमें ना आजकल एजेंट्स लोगों ने एक नया ट्रेंड शुरू किया हुआ कि हम आपको यूके का वर्क परमिट देते हैं, पता नहीं कोई कोई 20,000 पाउंड ले रहा है, कोई 30,000 पाउंड, इसमें क्या रियलिटी है, क्या ऐसा कोई वर्क ये परमिट मिल होता है? रहा है, ये हो रहा है, ये अभी पिछले साल से, लेकिन ये मैंने सुना है कि रिसेंटली ये बंद कर रहे हैं ये होम ऑफिस वाले ना, ये हुआ बिल्कुल ये, अच्छा और ये जेन्युइन वर्क वीजे लग रहे हैं ये, 20-25 हज़ार तक लेते हैं, मैंने ये, और मेरे कुछ जाने वाले भी आए हैं इन वीजों पे यहाँ पे, जबरदस्त तो अब लेकिन ये डिपेंड करता है एजेंट टू एजेंट, के आपका एजेंट सच बोल, आपका एजेंट उसका वाकई कोई लिंक है, या वो खुद ही पैसे खाने के चक्कर में है, लेकिन 20 से 25 हज़ार तक जो है वो ले रहे हैं लोग, और लग रहे हैं वीजे उनके। लेकिन ये इस अच्छा। चीज को नोट कर लीजिएगा, सॉरी माधव सर, कि ये बंद हो रहा है आजकल में ना, ये कोई ये मतलब अभी बात चल रही है इसके ऊपर, ये अचानक ही बंद हो जाएगा किसी टाइम, ठीक है। तो इसलिए जरा अभी अगर चलो करें आप, तो जरा एहतियात के साथ कीजिएगा इसको। अच्छा दिल भाई, उसमें लोगों ने एक ट्रेंड चला था स्टूडेंट वीजे पे, जो आप अपने डिपेंडेंट को लेके जाते हैं, तो उन्होंने लड़कियों को कहा कि जो पढ़ी लिखी है आप पैसे लें, हम खर्चा करेंगे, तो आई थिंक सो ये खत्म हो गया या बंद हो ये गया, क्या हो चल चुका है, रहा है ये वो? बंद हो गया, ये इस इन्होंने टर्म में बंद कर दिया, ये अभी नहीं आ सकते डिपेंडेंट, और पहले ये था कि डिपेंडेंट यहाँ पे आके काम कर सकते थे, अब वो भी बंद कर दिया कि डिपेंडेंट आके वर्क नहीं कर सकता यहाँ पे, अच्छा वर्क नहीं जो कर आए सकता। हुए, हाँ जो डिपेंडेंट आए हुए हैं उनका भी इन्होंने बंद कर दिया, और मजीद अगले आगे नेक्स्ट आप डिपेंडेंट बुला ही नहीं सकते, लेके आ ही नहीं सकते सही। डिपेंडेंट, ये बंद कर रहे हैं अच्छा इसको। यहाँ पे अदील भाई, कुछ लोगों को आप टिप्स बताएं कि वो एजेंट लोगों से कैसे बच सकते हैं, जो लोगों को कहते हैं कि भाई यूके बस ऐसे आके बस पासपोर्ट दो वीजा लग के आ रहा है आपका। यार देखिए, स्टूडेंट वीजा थे इन्होंने ओपन किए थे पिछले दिनों ना, देखिए हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है, इनके पास सोने की चिड़िया है मुल्क, इन्होंने जो अपना सिस्टम बनाया हुआ है और सारा कुछ, जब इनके पास पैसा कम होता है, जब इनको जरूरत होती है, ये वीजे ओपन कर देते हैं, वीजों के जरिए हजारों पता नहीं कितने बिलियंस इन्होंने जो है पिछले 1-1.5 साल में इन्होंने सिर्फ स्टूडेंट वीजे से इन्होंने कमाए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अच्छा ठीक है। आपको याद होगा 2007-08 में भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है, इनको बिल्कुल कोई ऐसे बहुत लोग यूके हाँ गए जी थे। बहुत लोग गए थे, बहुत लोग गए थे, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि 2011-12 में ऐसे ही जहाज भर भर के इन्होंने वापस भी भेजे थे स्टूडेंट, वही जो बिल्कुल गए ऐसे, हुए थे बिल्कुल ऐसे। उनमें से बेशुमार जहाज भर भर के वापस भेजे थे, ये हमेशा से इनका दस्तूर है। अभी कोविड के बाद जो है पूरे दुनिया में मतलब तबाही फैल गई है, तो इनका यहाँ भी बेड़ा गर्क हो गया था फाइनेंशियल सिचुएशंस का, तो उसके बाद इन्होंने फिर जो है इस तरीके से पैसा इकट्ठा किया, ठीक है, और अभी इनका वो कोटा पूरा होना शुरू हो गया, जो इनकी टारगेट था वो अचीव होना शुरू हो गया, तो इन्होंने सख्तियां करनी शुरू कर दी हैं बहुत सारी चीजों के हवाले से, जैसे कि स्टूडेंट्स का पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया, जो स्टूडेंट्स इलीगली काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को 10-20 घंटे वर्क अलाउड होता है, और बिलीव मी 10-20 घंटे वर्क का काम करके आप अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर सकते, और अपनी नहीं खर्चा कर पूरा सकते। करना करके फिर आगे की फीसें जमा करना, जो आगे आपने कंटिन्यू करने के स्टडी के लिए रखनी है, फिर पीछे भी ना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब लिखवा लीजिए ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो इलीगली काम करते हैं स्टूडेंट, तो उस पर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, आप उसको पकड़े और डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये मतलब अभी शुरू हो गया है, और पिछले आपको 6-7 महीने में इनका रिजल्ट आना नजर आ जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो ये चीजें बड़ा भी अच्छा अभी आपने थोड़ी सी पॉइंट सख्त दिया हुई हैं। कि वो लोग समझते हैं कि यार स्टूडेंट वीजा लूंगा, 10-20 लाख रुपया लगाऊंगा, चला जाऊंगा, उसके बाद वहां पे सेट हो जाऊंगा, पीछे भी भेजूंगा, तो ये आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि नहीं यार ये काम ना करें, एटलीस्ट पीछे से बैकअप होना चाहिए आपके पास। यार मैं आपको ऑनेस्टली अपना केस बताता हूँ, मैंने अपने छोटे भाई को जो ना, सबसे छोटा भाई मेरा पाकिस्तान से, उसको मैंने बुलाया अभी पिछले साल ना यहाँ वर्क वीजा अच्छा स्टडी वीजे पे, सॉरी, तो उसकी कोई 12-13 हज़ार पाउंड उसकी फीस थी यूनिवर्सिटी की, जिसमें से सॉरी हाफ 70% हमने फीस पाकिस्तान में पे की, 7-8 हज़ार, और बाकी फीस यहाँ आने के बाद जो है पिछले 1 साल से वो काम कर रहा है यहाँ पे आके, जाहिर है मेरे जहाँ पे मतलब लिंक्स वगैरह सारे ताल्लुकात, मैंने उसको काम भी फुल टाइम लगवाया, एवरीथिंग कर दी, तो वो जो वहां से सैलरीज वगैरह कमाता रहा है ना, उसका खर्चा रहने का मेरे साथ रह रहा है ना, खाने पीने का खर्चा ना कोई और खर्चा, उसके बावजूद वो जो उसकी फीसें वगैरह उसकी सैलरीज उसको मिली है वहां से जहाँ पे काम कर रहा था, वो सारी सैलरी रिमेनिंग फीसेज में उसने पे कर दी, ठीक है, अब वो साल उसका अच्छा खत्म हो गया, वीजा उसका खत्म हो गया, अब आगे फीस जमा करवाएगा 12 हज़ार, तो आगे वीजा मिलेगा उसको,
ठीक है, और पिछली जो उसने कमाइयां की वो सारी पिछली फीस क्लियर करने में लग गई हैं, ठीक है, अभी खर्चा कोई उसका नहीं है, ठीक है, अभी कोई उसको अपना खर्चा नहीं, अभी आगे जो वीजा लेना उसके लिए उतनी ही फीस दोबारा जो कि उसके पास जाहिर है नहीं है, उसकी नहीं है तो, लेकिन उसका तो ये है कि मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, बैकअप है, कोई ना कुछ हम जुगाड़ लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे हम हमारा, जुगाड़ा तो अगर तो इस तरह का बहुत करीबी बैकअप है, बहुत करीबी मतलब सगा भाई है, वरना यकीन मानिए यहाँ पे कोई नहीं पूछता, मतलब मैं पिछले दिनों हमारा एक दोस्त, मैं बात लंबी तो नहीं कर रहा नहीं, इट्स ओके, आप बताएं बताएं, बिल्कुल जी, हमारा एक दोस्त पिछले दिनों वो भी ऐसी वर्क वीजे पे आया, ठीक है, तो उसको जो है ना अपने मामू के पास आया था, ठीक है, यहाँ पे हमारे सिटी ब्लैकपूल में मैं रहता हूँ, ब्लैकपूल में वो मामू के पास यहाँ पे स्टे कर रहा था, ठीक है, तो हमसे दोस्ती हो गई, खैर हमने काम शाम पे लगवाया एक रेस्टोरेंट पे, तो एक दिन गया जना तो रेस्टोरेंट के टॉयलेट में बैठा रो रहा है, मतलब ऐसे बैठा ना रो रहा है, क्या शायद। हुआ जी, कहता मामू ने मुझे घर से निकाल दिया कि बस 2-4 महीने हो गए हैं, ठीक है, अब तुम अपना कोई सिस्टम करो, उन्होंने मुझे सामान दे के भेज दिया कि आज रेस्टोरेंट से घर ना आना, ये हिसाब है यहाँ पे, क्योंकि देखिए उनका भी कसूर नहीं है, यहाँ पे हालात ही ऐसे हैं कि आप नहीं किसी का बोझ उठा सकते हैं। बिल्कुल, मैं आदिल भाई यही कहता हूँ कि जो लोग बाहर रहते हैं वो ऑलरेडी एक अपने सर्कल के अंदर चल रहे होते हैं, तो वो किसी को ज्यादा देर मैनेज कर ही नहीं सकते, तो हम नहीं उन्हें कर ब्लेम नहीं सकते, कर सकते। नहीं कर यानी सकते, कि हाँ नहीं लोग कर सकते, पाकिस्तान हाँ से जाते हैं, लोग कहते हैं कि जी मेरा फूफी रहती है, मेरा चाचा रहता है, वो मुझे संभाल लेंगे, तो मैं उन्हें हमेशा समझाता हूँ कोई किसी को संभाल नहीं सकता, इट्स नॉट नहीं पॉसिबल। सकते। रहा और ये सही फाइनेंशियली सिचुएशन के अलावा वैसे भी जो है ना, आप यहाँ पे देखें ये मुल्क जो है ना इंसान को मेंटली बहुत चेंज कर देता है, आप अकेले रहते हैं तो बिल्कुल एक वो एक आपका ना मेंटली सेटअप बना हुआ होता है, आप किसी तीसरे का दखल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, आप नहीं तो आपकी बीवी आपसे लड़ना शुरू कर अच्छा देगी, यार ये किसको बिठाया हुआ है घर में ना, तो ये सारे मामला शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए आप जो बिल्कुल है अच्छा वो ये मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए किसी पे रिलाई करके ना, हाँ अगर कोई सगा भाई है, सगा भाई और आपका भाई के साथ आपको पता है कि अब घर का ताल्लुक कैसा है, तो फिर आप भरोसा कर सकते हैं, वरना किसी पे भरोसा करके ना आइएगा कि मतलब वो संभाल लेगा आपको और ये मामला चल जाएंगे। सही सही। तो अदील भाई, इसके अलावा कोई जो नए लोग आना चाह रहे हैं उसको कोई टिप देना चाहें आप, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी काफी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है, मेरे ख्याल से काफी इनफ है, लेकिन फिर भी कोई जो नया बंदा आना चाह रहा है उसको क्या फैमिली के साथ आना चाहिए या फर्स्ट अकेले आना चाहिए? यार देखिए फैमिली के साथ तुम अगर तो आ सकते हैं तो आ जाए फैमिली के साथ, वो तो मैं नहीं उस पे मतलब कोई कमेंट करूंगा, क्योंकि अगर तो उसके पास कोई ऑप्शन ऐसा है कि वो फैमिली के साथ आ सकता है तो वो तो बेस्ट है, आए फैमिली के साथ, क्योंकि यहाँ पे रहना भी जरा मुश्किल हो जाता है अकेले बंदे का ना, लेकिन ये है कि ठीक है आप जब आए तो ये जरूर सोच के आइएगा, मतलब पीछे कश्तियां जला के ना आइएगा, ये जरूर मैं मशवरा दूंगा, कि कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मैं अब जा रहा हूँ बस मैं अब अमीर हो जाऊंगा, ठीक है ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये मामला हो जाएंगे, हाँ अगर आपके पास कोई वीजा ऐसा है कि आपको पता है कि यार 5-7 साल 8 साल आप वहीं पे हैं श्योर हैं आप, तो फिर अलग चीज है, ठीक है, लेकिन एजेंट की बातों में आगे कि साल का वीजा लगा लेकिन बाद में कुछ कर लूंगा, कभी भी कश्तियां जला के ना आइएगा, पीछे बैकअप जरूर रखिए आइएगा कि यार अगर ये ना हुआ तो मैं ये कर लूंगा, ये ना हो कि आप जमीने जायदाद बेच के सारा कुछ जायदाद बेच छटिया ने, ठीक है जायदाद बेच के आप सारा बिल्कुल इतने आओ, ठीक है, तो फिर वो ऐसा। इतने आके यही करोगे बस जायदाद बेचतिया ने, ठीक है, तो पूरा अच्छा रिकॉर्ड अदील बन भाई, जाओ फिर बाद बिजनेस में। अपॉर्चुनिटीज क्या है? अगर एक बंदा सपोज करें पाकिस्तान के जो हालात है, हर बंदा ही निकलना चाह रहा है, जिसके पास कोई पैसा है, तो उसके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है? यार बिजनेस सी भाई बिजनेस यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं कोई भी, मतलब मार्केट बहुत अच्छी है, बिजनेस ग्रूम करेगा आपका, आप रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह कहीं पे भी जो है ना वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप कुछ यानी कि अच्छी इन्वेस्टमेंट मिनिमम आपके पास है, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाऊं, मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर जाऊं देखिए तो सी भाई कितने में? मेरे पास इस चीज पे इन्फॉर्मेशन नहीं है एग्जैक्ट, तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूंगा कि मतलब मैं कुछ ऐसे ही कह दूं और हाँ बिल्कुल सही। जाएगा सुनने वाले फिर उस पर यकीन करते हैं, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मतलब मिनिमम आपके पास जो है ना 1 मिलियन पाउंड के करीब होना चाहिए, तो आप अगर इतना है तो आपका इजीली जो है ना वीजा वगैरह लग सकता है, कोई उसको इतना सेटअप, मसला नहीं है, वीजा इजीली हो लग जाएगा, सकता है, हाँ सेटअप लेकिन हो ये सकता मेरा है। हाँ इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं, मिनिमम इससे कम थोड़ा सा 5 मतलब 1/2 मिलियन आप कह सकते हैं, इससे कम नहीं होगा, लेकिन ये मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं सही है, ये आप सही। आपको हाँ जी मैं ऐसे नहीं कह सकता, सॉरी। चलें नेक्स्ट सेशन में आपसे इस पे भी इंफॉर्मेशन लेंगे, आप थोड़ी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन जमा करके रखिएगा। जी मैं कोशिश करूंगा, जरूर मैं कोशिश करूंगा, कुछ दोस्त हैं जो इस फील्ड से वाबस्ता है उनसे बात करके मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करूंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इस पर डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। सही, तो थैंक यू वेरी मच अदील भाई, आपने हमें टाइम दिया, और मैं स्पेशली क्योंकि टाइम डिफरेंस इतना ज़्यादा था
मेरे पास दिन है, आपके पास रात है, और मुझे, अच्छा मैं आप सबको बताता चलूँ कि दिल भाई से कुछ 4-5 दिन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, और ये भी मुझे बता रहे थे कि थोड़ा टाइम पीरियड हमारा ना मैच नहीं कर रहा था टाइम टेबल, तो आज बड़ी मुश्किल से हमारा टाइम मैच किया। तो ये सेशन मैं इसलिए भी करना चाह रहा था ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि जो एक दिल भाई, आपको पता है कि वो पाकिस्तान में ना एक चल यार बाहर चलिए, बैग बन बाहर चलिए, वीजा लगवा दिए बस, कितने वो चीज थोड़ी सी लोगों को समझ आए कि यार सिर्फ पाउंड में कमाना नहीं है, पाउंड में खर्चा भी करना है। वो सिर्फ ना मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं कि कमाया कितना है आपने, इतने पाउंड कमाए तो इतने पाकिस्तानी बन गए, तो वो ये नहीं कोई बता रहा उन्हें कि यार इतने खर्चे भी हैं। तो आपने बड़ा अच्छा गाइड किया लोगों को। भाई बहुत, अभी मैं यकीन कीजिएगा, चले अभी हम कंक्लूड कर रहे हैं शो को, तो अभी नेक्स्ट सेशन के लिए रखते हैं हम कुछ चीजों को, तो लेकिन बहुत खर्चे हैं, बहुत मुश्किल है। मतलब अभी अगर 4-5 हजार भी आप मंथली गुजार कमा रहे हैं ना, तो आप माइनस में ही जा रहे हैं महीने के एंड पे। ये हालात चल रहे हैं अभी, बहुत मुश्किल हालात है, सही, तो लेकिन ये है कि अदिल भाई जरूर अगर, आइए, अगर कोई आ सकता है तो आइए। अच्छा अगर कोई यूके में आता है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या नहीं? जी जी मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं हमेशा हाजिर हूँ दोस्तों के लिए, अगर हमारी जात से किसी को फायदा हो सकता है तो हमें जरूर मदद करनी चाहिए, तो मैं हाजिर हूँ। मेरा कोई बिल्कुल, भाई दोस्त अगर रابطہ करना चाहे तो इनशाला तो यानी जरूर कि आपके हाजिर हूँ। फेसबुक प्रोफाइल में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ कि कोई कांटेक्ट करना जी चाहे, जी श्योर, व्हाई नॉट, जी जरूर, इनशाला इनशाला इनशाला। तो मैं अदील भाई की लेकिन जो लेकिन फेसबुक अगेन यहाँ प्रोफाइल पे है। सॉरी सी, मैं जी एक मैं माजर के साथ एक यहाँ पे मैं मतलब ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं कभी कोई दोस्त मैसेज करे और मैं फौरन रिप्लाई ना दे सकूं, तो वो ये मत सोचिएगा कि यार ये बंदा बड़ा मतलब ऐसा है, मगरूर है, और ये मामलात है। बिल्कुल आप जैसे हमने पहले जिक्र किया कि टाइम का मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, तो बड़ा जब भी मुश्किल वक्त है मिलेगा बिल्कुल। इनशाला मैं जरूर हाजिर रहूंगा आपके लिए इनशाला। और मेरे ख्याल से फैसलाबाद के लोग तो दिल भाई को ऑलरेडी काफी काफी ज्यादा जानते हैं। अब भूल गए होंगे ऐसी भाई, अब कहाँ, वक्त टाइम गुजर गया, वक्त मुझे गुजर गया अदिल भाई। भाई वो कौन सा रेडियो था, आई थिंक सो 92 था, 90 FM 90, FM 90 था, और मुझे याद है जी जी सुसान जी रोड पे आपका ऑफिस हुआ करता था। और बिल्कुल, तो जो लोग तो फैसलाबाद से, उनको कुछ ना कुछ यादें ताजा हो गई होंगी अदिल भाई के साथ। तो बड़ा बाकी अच्छा इंशाल्लाह वक्त था नेक्स्ट जी, सेशन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले सेशन में मजीद चीजों को डिस्कस करेंगे, अल्लाह खैर दे। मजीद हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे, स्पेशली कि अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए हैं तो वो अदील भाई इंशाल्लाह आपके लिए इन्फॉर्मेशन रखेंगे। और आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो नीचे आप कमेंट्स कर दीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगा मैं अदील भाई से उनके जवाब हम लोग ले सकें। तो थैंक यू वेरी मच अदील भाई वंस अगेन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और तमाम दोस्त थैंक यू वेरी मच देखने का, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और ताकि मजीद जो आने वाली वीडियोज है, मेरी कोशिश होगी कि और भी दूसरे कंट्री से लोगों को ऐड करता चाहूँ, अगर कोई और दोस्त भी ऐड होना चाहे किसी दूसरी कंट्री से वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम लोग लोगों को हेल्प आउट कर सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा विश ख्याल यू ऑल द रखें। बेस्ट जी हसीब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू।